से जुड़ी इस सप्ताह की बड़ी खबरें। मांग सीमित बनी रहने से चालू सप्ताह के दौरान तुअर की कीमतों में तेजी मंदी का रुख रहा। तुअर दाल में ग्राहक की सुस्त पड़ने से तुअर में मिलर्स की खरीदी सीमित बनी रही, जिस कारण तुअर की कीमतों में घटपट देखने को मिली। आयातकों की बिकवाली बढ़ने और खरीदारी कमजोर पड़ने से चालू सप्ताह के दौरान चेन्नई तुअर लेमन की कीमतों में 50 रुपये प्रति क्विंटल की नरमी दर्ज की गई और इस नरमी के साथ भाव सप्ताह के अंत में 10,200 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गए। मुंबई अफ्रीकन तुअर में भी इस सप्ताह 100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट देखी गई और इस गिरावट के साथ भाव सप्ताह के अंत में मोजम्बिक सफेद 93,500 से 9,400 रुपये, गजरी 9,200 रुपये, मटवारा 9,100 से 9,150 रुपये, अरुषा 9,350 से 9,400 रुपये, बाबाटी 9,600 रुपये व सूडान 10,150 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। निर्यात मांग कमजोर पड़ने से बर्मा तुअर में इस सप्ताह $20 प्रति टन की गिरावट दर्ज की गई और इस गिरावट के साथ भाव सप्ताह के अंत में $1,260 प्रति टन पर पहुंच गए। पोर्ट की गिरावट के असर और मांग सामान्य बनी रहने से चालू सप्ताह के दौरान दिल्ली तुअर लेमन में 50 रुपये और देसी तुअर में 100 रुपये प्रति क्विंटल की नरमी दर्ज की गई और इस नरमी के साथ भाव सप्ताह के अंत में लेमन 10,600 रुपये, महाराष्ट्र लाइन 10,350 रुपये और कर्नाटक लाइन 10,700 रुपये प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। बिकवाली कमजोर पड़ने, दाल मिलर्स और स्टॉकिस्टों की लिवाली बढ़ने से महाराष्ट्र तुअर में इस सप्ताह 150 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इस बढ़ोतरी के साथ भाव सप्ताह के अंत में सोलापुर 9,900 10,575 रुपये, अकोला 10,500 रुपये, नागपुर 10,500 से 700 रुपये, लातूर 10,300 से 10,570 रुपये, हिंगनघाट 9,300 से 10,600 रुपये और अहमदनगर 9,900 से 10,100 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। बिकवाली कमजोर पड़ने और खरीदारी सुस्त रहने से चालू सप्ताह के दौरान कर्नाटक तुअर की कीमतों में 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इस बढ़ोतरी के साथ भाव सप्ताह के अंत में गुलबर्गा 10,000 से 10,536 रुपये, रायचूर 9,686 से 10,525 रुपये, यादगिरी 10,370 से 10,617 रुपये और तालीकोट 9,600 से 10,615 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुँच गए। दाल मिलर्स की लिवाली बेहतर होने से चालू सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश तुअर की कीमतों में 250 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखी गई और इस तेजी के साथ भाव सप्ताह के अंत में कटनी 10,550 से 10,800 रुपये, जबलपुर 7,000 से 10,000 रुपये व पिपरिया 7,000 से 10,014 रुपये 400 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। चौतरफा तेजी के सपोर्ट और मांग कमजोर बनी रहने से रायपुर तुअर में इस सप्ताह 300 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई और इस तेजी के साथ भाव सप्ताह के अंत में 10,400 से 10,700 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए और इसी प्रकार कानपुर तुअर में भी इस सप्ताह लिवाली मजबूत रही और भाव 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर सप्ताह के अंत में 9,300 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। लिवाली बढ़ने से चालू सप्ताह के दौरान तुअर दाल की कीमतों में 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल का सुधार देखा गया और उस सुधार के साथ भाव सप्ताह के अंत में दिल्ली फटका 14,050 से 15,450 रुपये, कटनी फटका 13,500 से 14,000 रुपये और अकोला 14,200 से 15,400 रुपये, लातूर फटका 14,600 से 14,800 रुपये, गुलबर्गा फटका 14,200 से 14,700 रुपये और कानपुर फटका 14,100 से 14,500 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिले।